बिहार के विकास के लिए मैं सीमांत क्षेत्र की बात करता हूं। ये पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया, लगभग लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा, यहां से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते हैं। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बना है। अस्पताल लगा उनको या तो स्थानीय नेताओं से इनकी जानकारी ले लेनी चाहिए या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से उनको जानकारी लेके इन बातों को करेक्ट करके बोलना चाहिए। आप जिम्मेवार लोग हैं, देश के गृह मंत्री हैं, पर आप इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, बड़ा ही हास्यास्पद है। लेकिन मैं विनती जरूर करूंगा उनसे कि आप गृह मंत्रालय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करके पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू कराने का काम करिए। राज्य सरकार ने अपने स्तर से हर जो काम है उसको पूरा कर दिया गया। जो जमीन अधिग्रहण का काम था राज्य सरकार ने उसको अधिग्रहण करके उनको सुपुर्द किया है, जिसको वो लेने से उसमें बहानाबाजी कर रहे हैं, उसमें कोई ना कोई अड़चन डाल के इस एयरपोर्ट को बाधा डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए गृह मंत्री से हम सीमांचल के लोगों की तरफ से अपनी ओर से विनती करते हैं कि आप इसमें हस्तक्षेप करके पूर्णिया के वायु जो वायु सेवा है पूर्णिया का एयरपोर्ट को चालू कराने का काम करिए और यहाँ पे मीट कराइए, एयरलाइंस की टर्नअप हो और यहाँ से वायु सेवा बहाल हो। इस काम के लिए हम उनसे आग्रह करते हैं कि निर्माण कार्य तो कुछ भी निर्माण हुआ ही नहीं, वो तो जब उड़ाने की चलने की बात कर दी, यहाँ से दिल्ली पटना मुंबई जाने की बात कर दी। सच्चाई तो ये है कि जो हवाई पट्टी है उसका निर्माण रक्षा मंत्रालय के द्वारा एयरफोर्स के द्वारा किया गया है, बट जो नागर विमानन के माध्यम से जो पब्लिक के लिए सर्विस देना है, चाहे टर्मिनल बिल्डिंग बनाना है, चाहे रनवे के बाद का जो काम है, राज्य सरकार ने 54 एकड़ जमीन की हस्तांतरित करने के का प्रस्ताव अधिग्रहण करके सिविल एविएशन को दिया गया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया गया है। बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उस पर आपत्ति लगाई कि गलत दिशा में यह जमीन हमको मिला है। फिर उसमें कुछ जब हम लोगों ने सिविल एविएशन मिनिस्टर से मिला है तो उसके बाद उन लोगों ने कहा कि उसमें कुछ क्वेरी डाल के राज्य सरकार को फिर से वापस किया है और हम आग्रह करेंगे कि इस बहानेबाजी से नहीं चलेगा, आप इसको हैंड ओवर लीजिए और राज्य सरकार से और कोई ग्रीवांस होगा निश्चित रूप से बिहार की सरकार नेता नीतीश कुमार उस चीज़ को पूरा करेंगे। आप यहाँ से आम आवाम की तो मांगे यही है कि जितनी जल्द से जल्द यह एयरपोर्ट चालू हो, जिससे कि इस इलाके की तमाम कोसी और सीमांचल के जितने भी लोग हैं इसको सुविधा मिले। लेकिन अभी तक वो जमीन अधिग्रहण की मामला फंसी हुई है। अभी तक हमको लगता है कि जो काम चल रहा है वो काम अभी तक पूरा हुआ नहीं है। लेकिन यह उम्मीद करते हैं जब देश के हमारे देश के गृह मंत्री जी माननीय गृह मंत्री जी ने जब मंच से घोषणा की उनके तो ऐसी बात होगी जानकारी में होगी कि यह चालू हो गया है, लेकिन चालू तो हुआ नहीं। अब आवाम इस बात से हतप्रद हैं कि उनके जैसे जिम्मेदार व्यक्ति ने यह घोषणा करता है कि एयरपोर्ट चालू हो चुका है, लेकिन ऐसी बात कहीं नहीं है। फिर भी मैं गृह मंत्री महोदय से, देश के प्रधानमंत्री से, सब लोगों से मैं मांग करता हूँ कि जितनी जल्द से जल्द हो ये पूर्णिया एयरपोर्ट को चालू किया जाए, जिससे कि इस क्षेत्र के लोगों को आने जाने में सुविधा हो और तो समय की बचत हो और जितनी जल्द इसका समस्या का समाधान हो। ये हो जाता है जमीन अधिग्रहण हो गया, कभी हो जाता है नहीं हुआ। आज माननीय गृह मंत्री जी जो बार बार टंग एंड स्लिप हो जाता, हमको लगता है शायद उनका टंग एंड स्लिप है कि उन्होंने कह दिया भरी सभा में मंच पर से कि पूर्णिया एयरपोर्ट बना दिया और ताली बजाओ। ये बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण भी लगता है और हास्यास्पद भी है। यदि पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया है, बन गया, बना दिया गया है, तो फिर आम लोग कब उड़ान का सपना साकार कर पाएंगे? नेताओं के लिए तो वर्षों से पूर्णिया एयरपोर्ट बना हुआ था और पूर्णिया के लोगों को, पूर्णिया प्रमंडल के लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि कम से कम जो है यहाँ एयरपोर्ट की तिथि बता करके जाएंगे किस डेट को चालू होगा। फणेश्वरनाथ रेणु जी के नाम पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात होगी।